हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित, आज को एक नए वीडियो के साथ। गाइस इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे लॉकडाउन के कारण, तो आप लोग भी बहुत दिन से बोल रहे थे कि नहीं कॉल, तो प्रीति भी कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके घर पर फैमिली प्रॉब्लम है। सो मैंने उनसे इंस्टाग्राम पर बातचीत की है, उन्होंने कहा कि आज वो कॉल करेंगी, आज उनका श्योर है। सो गाइस मैं उनके कॉल का वेट कर रहा हूँ, एंड आप लोग प्लीज़ घर पर रहो, सेफ रहो, एंड प्लीज गाइस अपना ख्याल रखा करो। फाइनली हेलो हेलो प्रीति, हाय मोहित, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। माय गॉड, इतने दिनों के बाद। सॉरी, वो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी बट क्या बताऊँ, मौका ही नहीं मिला। और जब टाइम आया भी था सोची थी मिलने का, तो फिर ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। ये लॉकडाउन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सबके लिए बन चुका है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, देश को बचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी, और कैसे हो। बस ठीक ठाक हूँ। नहीं, मैं भी सोच रहा था कि आप ना मैसेज ना कॉल, इतने दिनों से कहाँ रह रही हो आप। मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे आजू बाजू सब रहते हैं ना भैया मुस्कान, और फिर स्पेशली मुस्कान रहती है, तो अब मैं उसके सामने कर नहीं पा रही थी। आपके तो बस मैं वीडियो और फिर पिक्स देख के काम चला रही हूँ कैसे भी यहाँ पे। ओह माय गॉड, आप मेरी वीडियो एंड पिक्स देख रही हो। हाँ तो और क्या, अभी लॉकडाउन है, मौका भी मिला है, हर एक वीडियो मैं जा जा के देख रही हूँ। अच्छा चलिए, तो उसी से कैसे भी टाइम निकाल रही हूँ उस लॉकडाउन में। अच्छा हाँ जी, और वहाँ पे कैसे चल रहा है, क्या करते हो लॉकडाउन में। बस सुबह सो के उठना, खाना पीना, फिर कुछ। अच्छा मैं पूछ रहा था, वो कैसी है मुस्कान, कैसी है। मतलब दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, मुस्कान को कभी नहीं भूलोगे ना मोहित। ऐसा नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ कि वो कैसी है, मतलब एक होता है ना ऐसे हाल चाल। मतलब क्या मोहित, हाल चाल आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो, इतने दिनों बाद बात कर रहे हो और पहला वर्ड क्या आता है। बस ऐसे ही पूछ लिया था, कोई नहीं सॉरी। नहीं मोहित, मतलब इतने दिनों बाद बात कर रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं है कि वो कैसी है क्या। मैं रह रही हूँ ना यहाँ पे, मेरे को पता है। मैं आपको क्या बताऊँ मुस्कान के बारे में, मतलब पता ही नहीं चल रहा उसमें क्या चीज, मतलब आपके लिए है वो जलसी या फिर मेरे प्रति कुछ तो है उस वो बंदी में जो ऐसे अभी कर रही है। आपके प्रति कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप ऐसा प्लीज मत सोचो। आपकी अच्छी बहन है, एंड मतलब जो था मेरे प्रति था, कोई नहीं, अब मतलब खत्म हो चुका है सब कुछ। आपको ऐसा लगता है मोहित, यहाँ पे मैं किसी चाहे किसी भी लड़के का लड़की का कॉल आए, मेरे किसी भी फ्रेंड्स के कॉल आए, पहले आके मेरा वो फोन चेक करती है कि कोई बात हुआ। ऐसा तो रिक्वायर्ड नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा आप ही से बात करूं, और नहीं भी करती हूँ अभी तो हमारी बात इतने दिनों बाद हो रही है। और फिर आप भी हो, आप बता दो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। मुझे ये बात इसलिए भी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि वो मुझे घर पे रह के एक साथ रह के हम लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। कोई नहीं, इग्नोर कर रहा है, क्या करूँ। मेरी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ। पता है मैं नहीं चाहता ना कि आप के मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरी वजह से। ऐसा नहीं है मोहित, आप नहीं करो, वो गलत सोच रही है, इसमें आपकी या फिर मेरी भी कोई गलती नहीं है, हम तो अच्छे फ्रेंड्स हैं। कोई नहीं छोड़िए, आप प्लीज, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना उसकी वजह से या मेरी वजह से, मुझे मैटर नहीं करता वो क्या सोचती है, वो क्या बोलती है। मैं बस ये चाहता हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड आपके कारण मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। ओह माय गॉड, तो फिर हम लोग, मैंने तो बस पूछा था ना, फिर आप क्यों अपना भी मेरा मूड खराब कर रहे हो उसका बातचीत करके। आपने भी तो वही पूछा ना कि वो कैसी है, तो फिर मैं क्या बोलती। ठीक है,
ठीक है, हो गया। अब कुछ और बातचीत कर रहे हैं। एक तो लॉकडाउन में ऐसे ही मूड ऑफ रहता है और ऊपर से आप कर रही हो। मेरा भी एकदम लॉकडाउन में, टाइम तो कैसे भी जा रहा है। बस अभी आप मेरे को ही देख लो, मैं पूरे दिन मूवीज देखती हूँ। मूवीज? हाँ। कोई नहीं, अच्छा। आपने भी तो एक बार भी कॉल नहीं किया, आपके पास तो मेरा नंबर था। तो आपने कहा था ना मैसेज में कि फैमिली के साथ रहती हूँ, फोन मुस्कान हमेशा रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, जब मतलब कि अगर गलती से भी वो उठा लेती है तो फिर भी मतलब आपके प्रति मतलब आप लोग के बीच वो कुछ हो जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मैंने सोचा कि नहीं यार छोड़ो। हाँ, फिर से मुस्कान है यहाँ पे। मतलब कि मैं चाहता था कि आप हाँ वो भी बात, इसलिए मैंने मना भी किया था क्योंकि यहाँ का माहौल भी वैसा ही हो गया है। मम्मी पापा से ज्यादा मुस्कान का रहता है क्योंकि हमेशा वो फोन चेक करती है, किससे बात करूँ हमेशा स्टॉप करते रहती है कि कौन है क्या कर रही है। तो आप ही बताओ मैं आपको कैसे कॉल करती, मैंने कितनी बार सोचा कॉल करने का। कोई नहीं, इट्स ओके। बस मैं मतलब आपसे बातचीत होती थी ना इंस्टाग्राम पे तो अच्छा लगता था, बस इसीलिए। और बताओ आप अपने बारे में, क्या चल रहा है सब कुछ? लॉकडाउन खत्म हो जाए जल्दी से फिर। आप सच में बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत ज्यादा मतलब मिस करती हूँ, आपको भी करती हूँ। ओह माय गॉड, सीरियसली आपको भी करती हूँ, क्या मतलब था? आपको ही करती हूँ ज्यादा। नहीं, पहले आपने कहा आपको भी करती हूँ, दैट मींस कि किसी और को भी कर, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप ही जाते हो। अभी तो हमारी फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हुई थी और फिर ये लॉकडाउन हो गया, क्यों? मौका में बस मतलब बस सोच रही हूँ कि कैसे भी जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और फिर मैं मिलूं। आपके लिए भी कुछ सरप्राइज प्लान किया था मैंने, बट हो नहीं पाया। को नहीं आफ्टर लॉकडाउन। अरे सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? अब सरप्राइज है फिर बताने का क्या फायदा? सरप्राइज को सरप्राइज दे दीजिए। क्या करें, ये लॉकडाउन ने सब खराब कर दिया। अभी बस हम दोनों होप ही कर सकते हैं कि कैसे भी जल्दी ये लॉकडाउन खत्म हो और हमें मिले। बहुत सारा। और वहाँ पे कैसा जा रहा है वीडियो जा रहा? बस बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं आपके साथ वीडियो बनाऊं। सीरियसली बहुत लोग चाहते हैं यार, मतलब कि आप पूरा फेमस हो चुकी हो। क्या कौन है? आप ही ने। अच्छा, आप हो इसलिए मैं हूँ आज यहाँ पे, बस इतना ही। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था ना कि इस बार मैंने किया है टिकट, मूवी चलना है कि नहीं? अरे मैं जरूर जाऊंगी, जाना तो पड़े। अरे मोहित, हाँ बोलिए ना। सुनो ना मोहित, मैं फोन रख रही हूँ यहाँ पे, मतलब मुस्कान आ रही है, मैं इसके सामने बात नहीं कर सकती हूँ। ओके, हाँ ठीक है, मैं फिर आपको बाद में कॉल करती हूँ, कभी मैसेज करूंगी, ठीक है ना? ओके, बाय मोहित, टेक केयर, बाय। सो गाइज, बताना, एंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। एंड इंस्टाग्राम पे मेरी बातचीत होती रहती है, 3-4 फ्रेंड है मेरे, अगर आप लोग चाहते हो मैं सबसे बातचीत करूँ तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।